तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर देखोगे यहाँ पे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ये काइनेटिक एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4T² हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, दैट इज 4T², तो फोर्स एक्टिंग, तो जो फोर्स होता है वो होता है एम में। तो अगर तुम्हें फोर्स के बारे में जानना है तो तुम्हें एक्सलेशन यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये लॉजिक यहाँ से डेवलप हो रहा है तो एक्सलेशन निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी दिख रहा तो एक्सलेशन नहीं निकल जाएगा क्या? तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 8T² अपन एम, तो जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 8m अपन अंडर रूट, यहाँ से टी आ जाएगा। तो ये रहा वेलोसिटी। तो जब हमें वेलोसिटी पता चल गया बच्चों, तो एक्सलेशन पता किया जा सकता है। एक्सलेशन होता है dv/dt, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो इसका जब डेरिवेटिव लोगे d/dt इज इक्वल टू 8m√t इन सब का, तो जो 8m√t है तो ये तो बाहर आ गया, और d/dt t का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो 8m√ दैट इज द एक्सलेशन। तो जो कि एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो जो फोर्स यहाँ पे बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, और यहाँ से मास और एक्सलेशन 8m/t√ आ गया। तो फाइनली जो फोर्स आएगा 8m³, यहाँ से m² एम को अंदर ले जाओ तो 8m√ आ गया। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है? तो जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट है, तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा ऑन द पार्टिकल, दैट इज ए ऑप्शन अपना सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।